क्या मामला है? मैं रविशंकर गुप्ता, सनाफ मुन्नालाल गुप्ता, ग्राम सभा लोहंगी, बाजार धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। आपके ऊपर एक आरोप है कि आपने किसी का मकान धोखाधड़ी से अपने नाम कराने की कोशिश की है, पूरा राज क्या है उसका? ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारा मामला लिखा पढ़ी में है। उस मकान को जय बहादुर शर्मा, स्वर्गीय सतनाम शर्मा, इन बहादुर शर्मा, स्वर्गीय सतनाम शर्मा, दोनों भाइयों की रजा मंदी से, मैं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक धनपतगंज से 17 लाख रुपए चेक से जय बहादुर शर्मा को दिया हूँ। 8 लाख रुपए उनके खाते में गया और वो इस मकान को बेच करके एक मकान दूसरी इसी बाजार से सटा हुआ जी। दूसरी जगह बनवा रहे थे। जय बहादुर को तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक पूरा मकान बन नहीं गया। पूरा 3 तल्ले का मकान बन गया है। जब मकान बन गया, जब इन लोगों को ये लगा कि अब तो मकान खाली करना पड़ेगा, तब 31/10/2023 को रात 10 बजे जय बहादुर की अचानक मृत्यु हो जाती है। सुबह 7 बजे ही बाजार के लोग उठे भी नहीं थे, जय बहादुर की बॉडी को लेकर ये लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं और 9 बजे तक उनका दाह संस्कार करके ये लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि बाजार के मोहल्ले के लोग अपने बेड से, बिस्तर से उठे भी नहीं थे। अच्छा, एक आरोप है कि वो दारू पीते थे, शराब पीते थे, और शराब पीने के बाद आप जानते थे, उसके बाद भी आपने उनको पैसा दिया ना, कि मकान भी उनके नाम नहीं था? मकान उन्हीं के नाम था, उनका उस मकान का स्वामित्व उनको प्राप्त था। हमारे पास उन्होंने नकल दिया, दोनों भाइयों की रजा मंदी से सर्वप्रथम जय बहादुर हमारे पास आए और हमारी बात इन बहादुर शर्मा से कराई। इन बहादुर शर्मा के कहने पर हमने जय बहादुर को पैसा दिया, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है, तहसील सदर सुल्तानपुर में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट ये है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये बता रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अच्छा, ये फोटो किसकी लगी है? ये फोटो जय बहादुर शर्मा की लगी है। और आपकी है? और फोटो हमारी है। तो जैसे वो दारू पीते थे कि नहीं पीते थे? ये सिर्फ झूठा निराधार है, इनके खिलाफ मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया है 3001/24, जिसमें धाराएं लगी हैं 420, 419, 504, 506। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का मुकदमा लिखा गया है जिसका मुकदमा नंबर है 368/24। एक मामला उप जिलाधिकारी बलदी राय के यहाँ चल रहा है जिसका मुकदमा नंबर है 1479/24। ये मुकदमा में सुलह समझौता के लिए मेरे ऊपर काफी दिनों से दबाव बना रहे हैं, मेरे द्वारा सुलह समझौता न करने पर ये सिर्फ मेरे ऊपर जो है बिना अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जैसे अगर वो दारू पीते थे, आरोप है दारू का, तो दारू पीते थे उसके बाद उन्होंने फर्जी तरीके से उनको पैसा दिया, एक आरोप और है कि जिस दिन आपने पैसा दिया उसी दिन बैंक से 8 लाख रुपए निकाल लिए गए और आप उनके साथ गए थे, ये बताया गया, तो किसके इसकी सत्यता क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, उनको हमने चेक दिया, वो अपने खाते में पैसा लिए, 8 लाख का मामला था, बैंक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से उनके खाते में पैसा गया है, वो पैसा निकाले या नहीं निकाले उससे मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, जो ये एक आरोप है कि लेखपाल के साथ मिलकर आपने उनके घर को अपने नाम घरौनी दर्ज कराई और उन्होंने एक प्रपत्र दिखाया भी कि उसके पहले उनके नाम जो है वो घरौनी दर्ज थी जी, उन्होंने दिया भी था कि लेखपाल को घरौनी दर्ज करे, उसके बाद आपके नाम दर्ज हो गई, इसका रहस्य क्या है? ना तो ये किसी राजस्व कर्मचारी लिखित या मौखिक ये दिखा सकते हैं कि इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लेखपाल को या एसडीएम साहब के यहाँ या किसी भी राजस्व विभाग के कर्मचारी को दिया हमने, ये सिर्फ मुकदमे को लेकर परेशान है और मुझे फंसाया जा रहा है हर जगह। अभी मैं 9 तारीख को बालटाल अमरनाथ यात्रा पर था, 9 तारीख को हमारी सुबह 7 बजे ट्रेन थी, मैं कश्मीर में था उस समय। 16 तारीख को मेरे पास थाने द्वारा फोन जा रहा है कि आप कल उसके यहाँ गए थे और आपने उसको गाली दिया और धमकाया, वो कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया, वहां से हमने बताया महोदय हमें कि मैं कश्मीर में हूँ इस समय, बालटाल यात्रा पे हूँ अमरनाथ बाबा के यहाँ, तो निराधार है, झूठा आरोप है, निराधार। मकान दर्ज होने का कैसे क्या कहेंगे? मकान ना तो मेरे द्वारा राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी को लिखित या मौखिक
कोई परपत्र दिया गया है, ना तो कोई पेपर दिया गया है, ना तो कोई एप्लीकेशन दिया गया है। जय बहादुर, जब घरौनी उसका सर्वे हो रहा था, जय बहादुर मौके पे थे, जय बहादुर के द्वारा बयान दिया गया होगा कि मैंने इसको बेच दिया है, आप उनके नाम दर्ज कर दीजिए। मेरे द्वारा कहीं से कोई लिखित नहीं दिया गया है। और ना ही वो मकान जो है उनकी दादी के नाम ऑलरेडी लगभग 80 के दशक का, या मान के चलिए 80 के आसपास या 83-85 के आसपास वो मकान उनके नाम दर्ज था और बिल उन्हीं के नाम है, तो पिता के नाम तो था नहीं। फिर आप कैसे उनको पैसा देती है बिना परिवार से पूछे? पूरा परिवार इस धोखाधड़ी में शामिल है। 19 लाख रुपए का मामला है। सर्वप्रथम जय बहादुर के साथ विपिन शर्मा आए और वो 1 लाख रुपए लेकर के गए। पहला पैसा वो लेके गए हैं, विपिन कुमार शर्मा, स्वर्गीय जय बहादुर शर्मा। उसके भी गवाह मेरे पास मौजूद है, जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं उस गवाहों को न्यायालय के सामने पेश करूंगा। अभी क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? पूरा न्याय मिलेगा, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उसी मुकदमे को लेकर ये पूरा परेशान है, ये बौखला गए हैं। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जिस दिन न्यायालय का आदेश आएगा घर भी हमारे नाम दर्ज होगी और न्यायालय के आदेश पे मकान भी खाली होगा। सत्य की हमेशा जीत हुई ही होगी।